स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट मॉडरेटर। आज एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें कि हम लोग एक मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले जी मेंस एडवांस एग्जाम और एनडीए एग्जाम और सिमिलर टाइप ऑफ एग्जाम्स, इंजीनियरिंग लेवल एग्जाम जिसमें कि मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11-12 लेवल के, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, हम लोगों को हायर पावर ऑफ ए निकालना है। अगर ए स्क्वायर या ए क्यूब निकालने की बात की हुई होती तो हम लोग दो तीन स्टेप में सॉल्व कर लिए होते हैं, बट जब ए पावर 12, ए पावर 30 या ए पावर एन, इस तरह की वैल्यूज हम लोगों को फाइंड आउट करनी है तो उसके केस में एक जनरलाइज रिजल्ट हम लोगों को निकालना होगा। और जनरलाइज रिजल्ट निकालने के लिए हम लोग बजाय कि ए पावर 12 और ए पावर 30 या फिर कोई हायर वैल्यूज निकालें, हम लोग एक स्मॉल वैल्यूज का पैटर्न निकालेंगे। जो पैटर्न स्मॉल पावर में अप्लाई होगा वही सेम पैटर्न हायर पावर में भी अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ए स्क्वायर पहले निकाल लें, ए पावर 3 निकाल लें, और इन दोनों मैट्रिक्स का जो पावर के बाद जो वैल्यू आने वाला है, जो मैट्रिक्स फॉर्म में वैल्यू आने वाला है ए स्क्वायर और ए पावर 3 का, वही सेम पैटर्न ए पावर 12 और ए पावर 30 या ए पावर एन का है, इसमें जनरलाइज हो जाएगा। तो एक बार हम ए स्क्वायर और ए पावर 3 इसका निकालते हैं और फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर इक्वल्स टू इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस एक्स साइन एक्स एज इट इज हम लिख देते हैं ए की वैल्यू माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और फिर से हम दोबारा ए को रिपीट कर देते हैं कॉस एक्स साइन एक्स, और फिर से यहाँ पर लिख देते हैं माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट, तो मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं कॉस एक्स साइन एक्स, ये मल्टीप्लाई होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स से। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या वैल्यू आने वाला है हमारा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड अगेन कॉस एक्स साइन एक्स इधर मल्टीप्लाई होने वाला है। तो यहाँ देखिए पैटर्न क्या आएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस अगेन ये साइन एक्स इस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी दो बार साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया। चलिए नेक्स्ट नीचे में क्या होगा, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स फिर से इससे मल्टीप्लाई होने वाला है। तो फिर से देखिए माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और दोबारा से कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, यानी फिर से ये दो बार आएगा, तो इसको दो बार लिखने के बजाय मैं माइनस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी लिख सकता हूँ। ओके लास्टली ये माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, फिर से ये साइन एक्स और कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स और फिर उसके बाद ये जो कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया आफ्टर डूइंग ए स्क्वायर, ए को ए से मल्टीप्लाई करने पर वो रिजल्ट आया। और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फॉर्मूलाज याद होंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस 2x का एक्सपेंशन होता है, आप लोग जानते होंगे कॉस 2x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और एक और फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वही दोनों फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे और हम लोग फाइनल रिजल्ट निकाल लेंगे। चलिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की क्या वैल्यू आएगी इसकी, कॉस 2x। ओके साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दो बार है, मतलब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो रहा है, क्या वैल्यू होगा इसका, साइन 2x होगा। अगेन माइनस में है लेकिन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ही है, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन 2x आ जाएगा। फिर से ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या रिजल्ट आना चाहिए, कॉस 2x आ गया। तो ये पैटर्न देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यही से हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, सॉरी यही से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। जब हम लोग a पावर 1 की बात कर रहे थे तो cos 1x sin 1x माइनस sin 1x cos 1x था, और यहाँ पर जैसे a स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो सब जगह 1, जहाँ पर x का कोफिशियंट 1 था वो अब 2 2 2 हर जगह हो गया, यानी a स्क्वायर और a में एक पैटर्न तो हमको मिल गया। अब हम लोग इसी चीज़ को वेरीफाई कर लेंगे कि a पावर 3 में भी ऐसा ही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर a पावर 3 में भी सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न फॉलो होगा तो हम a पावर n के लिए जनरलाइज रिजल्ट निकाल देंगे। तो हमारा टारगेट है a पावर 3, यानी a स्क्वायर को फिर से a से मल्टीप्लाई कर देंगे। a स्क्वायर तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, तो a स्क्वायर है इसी को लिख देंगे cos 2x sin 2x माइनस साइन 2x और कॉस 2x, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर लेना है हम लोगों को, ये जो a का वैल्यू है cos x sin x माइनस साइन x और cos x। चलिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट देखिए आपके सामने है, cos 2x sin 2x इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, cos 2x इंटू cos x माइनस साइन 2x इंटू साइन x, ठीक है। फिर उसके बाद ये cos 2x sin 2x फिर से इसे मल्टीप्लाई होगा, क्या रिजल्ट आएगा भाई, तो cos 2x इंटू साइन x एंड cos 2x इंटू साइन x एंड sin 2x प्लस sin 2x इंटू cos x, ठीक है। इसे मिटा देते हैं यहाँ से,
ओके आगे बढ़ते हैं, नीचे हमारे पास है माइनस साइन टू एक्स कॉस टू एक्स, फिर से ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा रिजल्ट देखते हैं, माइनस साइन टू एक्स इन टू कॉस एक्स एंड दिस कॉस टू एक्स विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस, तो माइनस कॉस टू एक्स इन टू साइन एक्स, फिर से उसके बाद ये माइनस साइन टू एक्स कॉस टू एक्स फिर से इससे मल्टीप्लाई होगा, देख लेते हैं क्या आता है रिजल्ट, माइनस साइन टू एक्स इन टू साइन एक्स एंड दिस कॉस टू एक्स इन टू, तो प्लस कॉस टू एक्स इन टू कॉस एक्स, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया। और कुछ फॉर्मूला फिर से आप लोग याद कीजिए, कॉस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी का, अगर इसकी बात करें हम लोग तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में है, इसका रिजल्ट क्या होता है कॉस ए प्लस बी, यानी अगर हम इसको फाइनली रिजल्ट निकालने की कोशिश करें तो क्या मिल जाएगा हमको कॉस टू एक्स प्लस एक्स यानी कॉस थ्री एक्स मिल जाएगा। इसकी बात करें तो ये देखिए फॉर्मूला, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो हमारे पास क्या है साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है, याद कीजिए दोस्तों साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं इसके लिए, कॉस टू एक्स इंटू साइन एक्स और फिर वापस उल्टा हो गया साइन टू एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी मतलब टू एक्स प्लस एक्स का यानी साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला है। और ये सेम चीज़ यहाँ पर है, बस माइनस कॉमन निकालना है हम लोगों को, तो माइनस कॉमन निकालते हैं यहाँ पर आ गया साइन थ्री एक्स और यहाँ पर सेम एज इट इज कॉस जो ऊपर पैटर्न है वही पैटर्न आगे पीछे बस लिखा हुआ है, तो यानी इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा कॉस थ्री एक्स। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ए का जो वैल्यू है वो कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स है, ए स्क्वायर की वैल्यू की बात करें तो ये आगे ए स्क्वायर की वैल्यू कॉस टू एक्स, मतलब ये 1111 था यहाँ पर 2222 क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम लोग, ए पावर थ्री की बात कर रहे हैं तो फिर हर जगह थ्री और यहाँ पर भी थ्री और यहाँ पर भी थ्री है, इसका मतलब ये हुआ कि एक ये पैटर्न को फॉलो करके जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक पैटर्न में इसका रिजल्ट आ रहा, तो इस तरह से हम लोग इसका एक जनरलाइज रिजल्ट निकाल सकते हैं किसका ए पावर एन का, तो ए पावर एन का जनरलाइज रिजल्ट क्या हो जाएगा तो कॉस एन एक्स और जैसा यहाँ पर साइन है तो साइन बस थ्री की जगह एन एक्स रख देंगे, यहाँ माइनस साइन थ्री एक्स तो माइनस साइन एन एक्स रख देंगे, यहाँ कॉस थ्री एक्स है तो कॉस एन एक्स रख देंगे, इस तरह से हम लोगों ने ए पावर एन का वैल्यू निकाल लिया। अब ए पावर एन का वैल्यू भी निकल गया तो ए पावर 12 ए पावर 30 एनी थिंग वी कैन फाइंड यूजिंग दिस जनरलाइज रिजल्ट। तो एग्जाम में जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें कि ए पावर एन या ए पावर हायर पावर पूछा जाए तो ये चीज़ दिमाग में सेट कर लीजिए कि वो जरूर किसी पैटर्न पर होगा तभी आपसे हायर पावर पूछा गया है, और उस पैटर्न को समझना है, पैटर्न समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्मॉल पावर्स निकालेंगे ए स्क्वायर ए क्यूब निकालेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसी को हम लोग हायर पावर्स के लिए जनरलाइज कर देंगे, और यही इस वीडियो का ट्रिक है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।